नमस्कार, मैं रोहित सिन्हा और मेरे सहयोगी, मेरा नाम रिभु है। हम दोनों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के इलेक्ट्रॉनिकी एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत हैं। हमने यह कोर्स प्रायिकता एवं यादृच्छिक प्रक्रियाएं स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध करवाया है, जो कि मूलतः विद्युत अभियांत्रिकी के द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा पढ़ा जाने वाला एक पाठ्यक्रम है। और यह पाठ्यक्रम बहुत ही मूलभूत है और हमने अपने व्यवहार में ये पाया कि बहुत सारे छात्र जो हिंदी क्षेत्र से आते हैं, जो हिंदी माध्यम से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें इस पाठ्यक्रम और इंग्लिश भाषा में जो आंग्ल भाषा में जो यह सभी संस्थानों में पढ़ाया जाता है, उसमें काफ़ी परेशानी होती है इस पाठ्यक्रम को ग्रहण करने की। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह पाठ्यक्रम हिंदी में प्रस्तुत किया है और इस पाठ्यक्रम के विशेषता मेरे सहयोगी आपके साथ बताएंगे। यह पाठ्यक्रम कुल 12 सप्ताहों में विभाजित है, जिसमें हम कोल्मोग्राफ द्वारा प्रतिपादित प्रायिकता के अभिग्रहितों द्वारा निर्मित प्रायिकता सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इन सप्ताहों में हम मूलतः यादृच्छिक परीक्षणों, घटनाओं के बीजगणित का प्रयोग करते हुए सप्रतिबंध प्रायिकता एवं बेस के प्रमेय जैसे कुछ सिद्धांतों को समझेंगे, जिसके बाद हम एक यादृच्छिक चर की अवधारणा को समझते हुए उसके बंटन एवं घनत्व फलन को समझेंगे। इसके साथ साथ ही हम यह देखेंगे कि यादृच्छिक चरों के फलन किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। हम एक यादृच्छिक चर की इस चर्चा को अनेक यादृच्छिक चरों पर लेकर जाएंगे एवं सप्रतिबंध बंटनों किस प्रकार से एक यादृच्छिक चर दूसरे यादृच्छिक चर पर प्रभाव डाल सकता है, यह चर्चा भी करेंगे। अंततः हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अनुमानन में यादृच्छिक चरों एवं प्रायिकता के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए हम यादृच्छिक प्रक्रियाओं की चर्चा के साथ इस पाठ्यक्रम का अंत करेंगे। इस पाठ्यक्रम में सारी सैद्धांतिक जो है चर्चा मेरे सहयोगी डॉक्टर रिभु द्वारा की जाएगी और मैं उन सिद्धांतों पर आधारित कुछ प्रश्नों का की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमें आशा है कि यह पाठ्यक्रम प्रायिकता को समझने में आपकी सहायता करेगा एवं हमें आशा है कि यह पाठ्यक्रम प्रायिकता एवं यादृच्छिकता के अकादमिक सिद्धांतों को समझने में आपकी सहायता करेगा। इस पाठ्यक्रम में जो हमने हिंदी भाषा के विभिन्न शब्दों का जो प्रयोग किया है, वह शब्द हमारे CBSE द्वारा प्रतिपादित पाठ्यपुस्तकों से ही लिए गए हैं और कुछ अन्य शब्द जो हमने प्रयोग में लाए हैं वो सब की सूची आपके साथ हम साझा करेंगे, जिसकी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आंग्ल भाषा में उन शब्दों को या उन सिद्धांतों को हम कैसे कहते हैं। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि हमारा प्रयास आप के काम आएगा और इस तरह हम एक बड़ी दुविधा जो हमारे द्वितीय वर्ष के छात्र अक्सर महसूस करते हैं जो हिंदी क्षेत्र से, उनको हम कुछ हद तक आसान करने में सहायक होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।